Hey guys, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हेलो एंड वेलकम टू अनकट डिस्ट्रिक्ट पॉइंट। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं इमरान खान, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अनकट डिस्ट्रिक्ट पॉइंट। गाइस, आपका भाई आपके लिए एक बार फिर से नई वीडियो लेकर आ गया है। और आज की इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आपको समझ भी आ गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे ले सकते हैं घर बैठे हुए 50,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक का लोन। यहां पर आपको मिलेगा पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, आप यहां पर प्रॉपर्टी लोन भी ले सकते हैं। गाइस, ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। कौन सी एप्लीकेशन है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर देने होंगे, कितना इंटरेस्ट होगा, सब कुछ आगे बताने वाला हूं। वीडियोस की बिल्कुल मत करना, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई। और अगर आप नए हो, मैंने पहली बार ये वीडियो देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते जाना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना यार, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी जहां पर आप ले सकते हैं इंस्टेंटली लोन। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे सीधा प्ले स्टोर में आप चल जाएंगे। यहां पर आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है इंस्टेंट स्मॉल कैश लोन एडवांस सैलरी लोन बाबा। जी हां गाइस, लोन बाबा ये एप्लीकेशन है। आपको यहां पर मिलेगा एडवांस छोटा लोन आप यहां पर ले सकते हैं, बड़ा लोन आप ले सकते हैं यहां पर, एजुकेशन लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, हर तरह का लोन आप यहां पर ले सकते हैं। सिंपली आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। गाइज, जैसे एप्लीकेशन ओपन होती है इंटरफेस कुछ इस तरीके आपको यहां पर देखने को मिलने वाले है। सबसे ऊपर आप यहां पर देख सकते हैं स्मॉल कैश लोन 50,000 रुपए तक का आप यहां पर इंस्टेंटली ले सकते हैं। इंस्टेंटली यहां पर अप्रूवल हो जाएगा, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर देने होंगे। उसके बाद गाइज आप नीचे देख सकते हैं, यहां पर आप ले सकते हैं स्मॉल कैश लोन जो मिलेगा आपको 50,000 रुपए तक का। पर्सनल लोन ले सकते हैं आप यहां पर जो मिलेगा आपको 1,00,000 रुपए से लेकर 50,00,000 रुपए तक का। उसके बाद गाइज आपको यहां पर मिलेगा बिजनेस लोन जो मिलेगा आपको 1,00,000 रुपए तक का। उसके साथ ही आप यहां पर ले सकते हैं गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन। ठीक है, तो यहां पर आपको कई तरह के लोन के लिए अप्लाई करना है। सो गाइस, अब आपको यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको नीचे प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहां पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है। माय प्रोफाइल में आपने जाना है, यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका जेंडर, आप शादीशुदा है या नहीं है, ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी सिटी और आपका पैन कार्ड नंबर, ये डालने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। उसकी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद गाइस, अब आपको यहां पर ई साइन अग्रीमेंट कंप्लीट करना होगा। ई साइन अग्रीमेंट पर आपने क्लिक करना है, यहां पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। ध्यान रहे, आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी ई साइनिंग आपकी हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। जब आप अपनी ओटीपी डाल देंगे, ओटीपी डालने के बाद आपकी ई साइन अग्रीमेंट यहां पर सक्सेसफुली हो जाएगा। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगी। तो चलिए, जब आप सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपने लोन अप्लाई करना है, तो आपने सिंपली होम पर जाना है। होम पर जाने के बाद अब आपको यहां पर सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा लोन यहां पर लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप यहां पर स्मॉल कैश छोटा लोन लेना चाहते हैं, यानी आप 50,000 रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, तो आपने यहां पर स्मॉल कैश लोन पर क्लिक करना है। अगर आपको ज्यादा लोन चाहिए, पर्सनल लोन 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 50,00,000 रुपए तक का लोन अगर आपको चाहिए तो आपने करना है पर्सनल लोन के लिए अप्लाई। और अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको करना है बिजनेस लोन पर अप्लाई। तो चलिए मैं आपको यहां पर बताता हूं कि आपने पर्सनल लोन लेने के लिए क्या करना होगा, चाहे आप पर्सनल लोन लीजिए, चाहे आप यहां पर छोटा लोन लीजिए। तो चलिए मैं यहां पर स्मॉल कैश लोन पर क्लिक करता हूं, अप्लाई नाउ पर। जैसे मैं अप्लाई पर क्लिक करता हूं, उसके बाद यहां पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल मुझे यहां पर देनी होगी। पर्सनल डिटेल मैं यहां पर पहले दे चुका हूं, अब मुझे यहां पर देनी है एम्प्लॉयमेंट डिटेल। तो गाइस, यहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल में सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम डाल देना है। उसके बाद आपको यहां पर एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, जॉइनिंग डेट आपको यहां पर डाल देनी है, कंपनी का एड्रेस, अपना ऑफिस का एड्रेस, सब कुछ यहां पर बिल्कुल सही सही फिल कर देना है। और जब आप सब कुछ यहां पर सही सही फिल कर देंगे, आपने इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद। उसके बाद गाइस आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको यहां पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपको यहां पर अपलोड करनी होगी। और जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो आपकी लोन जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली यहां पर सबमिट हो जाएगी। तो गाइस, अगर आप यहां पर बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिजनेस लोन पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप बिजनेस लोन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा कुछ इस तरीके से होने वाला है। बिजनेस लोन लेने के लिए गाइस अब आपको यहां पर बिजनेस लोन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, जिसके अंदर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कितना लोन आप यहां पर लेना चाहते हैं, कितने साल से आप बिजनेस कर रही हैं, पिछले 12 महीने का आपको यहां पर टर्नओवर बताना होगा, पिछले साल आपको कितना प्रॉफिट हुआ आपको यहां पर वो बताना होगा। इसके अलावा गाइस आपको यहां पर आईटीआर भी देनी होगी, क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास आईटीआर भी जरूर होगी, आईटीआर आपको यहां पर देनी होगी। आप सारे डिटेल कंप्लीट फिल कर देंगे, उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, रेजिडेंशियल प्रूफ आपको यहां पर देना होगा, आईटीआर आपको यहां पर देनी होगी। ठीक है, ये सारे डिटेल आपको सही से फिल करने, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। जब आप ये सारे
डिटेल सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपकी जो डिटेल है वो वेरीफाई होगी। अगर आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, वेरीफाई हो जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, तो आपने यहां पर जितना भी लोन के लिए अप्लाई किया है उतनी लोन अमाउंट आपके बैंक के अंदर आपको यहां पर मिल जाएगी। अगर आप इसके अलावा यहां पर गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो गोल्ड लोन में भी आपको यहां पर कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। सबसे पहले आपको यहां पर सिलेक्ट करना है कितना लोन आप यहां पर लेना चाहते हैं, उसके बाद कितने ग्राम लोन आप यहां पर जो है धरना चाहेंगे जिसके ऊपर आप लोन लेना चाहते हैं, उसके बाद आपकी सिटी यहां पर सिलेक्ट करनी है, पिन कोड आपको यहां पर डाल देना है और आपको यहां पर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना है, टर्म्स एंड कंडीशन को इसकी एक्सेप्ट करना है और आपने इसको अप्लाई कर देना है। इसको अप्लाई करने के बाद गाइस आपके पास इनके रिप्रेजेंटेटिव कॉल करेंगे, आपसे जो है गोल्ड वगैरह लेके जाएंगे, उस पर आपको लोन देंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा सक्सेसफुली आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद। ठीक है, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं यहां पर गोल्ड लोन। इसके अलावा गाइस यहां पर आप फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं, ठीक है, ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं आप यहां पर। जो उम्मीद आपको समझ आ गया हो किस तरीके से आपने यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है, किस तरीके से आपने यहां पर गोल्ड लोन लेना है, किस तरीके से आपने यहां पर बिजनेस लोन लेना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर देंगे, मैंने आपको यहां पर सब कुछ बता दिया। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। आजकल भी इतना, ये देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।